नमस्कार। आई वॉन्ट टॉक टू अबाउट टुडे अबाउट प्राइस चैलेंजेस। अगर आपकी सेल्स टीम में देर इज अ चैलेंज विच द सेल्स टीम कम्स बैक टू यू ऑफर एंड सेज, सर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, मैम प्रोडक्ट नहीं बिक रहा बिकॉज द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव कम्पेयर टू द मार्केट, यू नो देर आर ओनली टू थिंग्स आई नॉर्मली लुक एट। ये लाइव सिचुएशन है, आज ही हुआ, समबडी सेइंग इसका प्रोडक्ट इतना है, हमारा उतना है। पहली बात तो गेट द फैक्ट्स राइट। इफ यू सेल्स गाइज आर नॉट एबल टू डू दैट, गेट द फैक्ट्स राइट। डू दे हैव द राइट फैक्ट्स? मोर ऑफन देन नॉट दे डोंट, नंबर वन। नंबर टू इज यू नो प्रॉबली दे सेलिंग द राइट प्रोडक्ट दैट यू हैव और अ सर्विस टू द रॉन्ग मार्केट। अगर महंगा प्रोडक्ट सस्ते मतलब ऐसे मार्केट को बेचे जो खरीदने के लिए रेडी नहीं है, इट्स नॉट योर टी जी, देन यू सेलिंग द प्रोडक्ट इन द रॉन्ग मार्केट। सो दैट्स द सेकंड थिंग दैट ऑलवेज लुक एट। एंड द थर्ड थिंग आई वुड से इज आर यू मेकिंग द राइट कंपेरिजन्स? प्रॉब्ली दे मेक रॉन्ग कंपेरिजन्स। सही प्रोडक्ट नो इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। यू नो 1000 रुपये का भी जूता आता है, 6000 का भी जूता आता है, चलने का काम ही करता है, लेकिन आर यू मेकिंग द राइट कंपेरिजन्स? Fix these three things, and more often than not, the way I notice, it all comes down to belief. Does your sales team believe? Do you believe that you can actually charge the price that you think you want to charge? Solve this. It all comes back to belief, right product knowledge, and really believing that you are worth what you're going to charge to your customer. Thank you.